हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की पोयम द लबर्नम टॉप को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी करेंगे। पोयम लबर्नम टॉप के पोएट हैं टेड हग्स। पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है, द लबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। एक पेड़ है ये लबर्नम और उसका ऊपरी हिस्सा, लबर्नम का ट्री है और उसका जो टॉप है वो उसका ऊपरी हिस्सा कहा जा रहा है। अब ये लबर्नम टॉप पेड़ बिल्कुल साइलेंट है, शांत है, क्वाइट है, स्टिल है, हिलडुल नहीं रहा, बिल्कुल शांत खड़ा है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, येलो सितंबर सनलाइट, पीले रंग में सितंबर की धूप में, सितंबर की धूप में, दोपहर में पीले रंग का ये पेड़ बिल्कुल शांत है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर रहे हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक कि गोल्ड फिंच नहीं आती है। अब ये कंडीशन जो इस तीन लाइन में बताई गई है, ये पेड़ की वो कंडीशन है जब तक वहां पर एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया नहीं आई थी। जब तक ये बर्ड वहां नहीं थी तो पेड़ बिल्कुल शांत था, उसके पीले पत्ते, उसके बीज गिर रहे थे सूरज की धूप में, सितंबर के महीने में वो दोपहर में पीले रंग का पेड़ बिल्कुल साइलेंट क्वाइट है। देन द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स, तब एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया पेड़ पर आती है। विद अ ट्विचिंग चिरप, और हल्की हल्की चहचहाने की आवाज उसकी आती है। विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग का मीनिंग है तेज आवाज, तीखी आवाज में वो वहां पर आकर चहचहाने लगती है। अ सडननेस, अचानक से, अ स्टार्टलमेंट, चौंका देना, चिड़िया की आवाज अलग हटके है जो कानों में तीखी लगती है और अचानक वो बोलना शुरू करती है जिससे कि आसपास की सभी चीजें चौंक कर उसे देखें। एट अ ब्रांच एंड, शाखा के अंत में, क्योंकि वो लबर्नम ट्री के टॉप पर बैठी है तो शाखा के अंत में ऊपर चोटी पर वो अचानक से आकर अपनी आवाज सुनाने लगती है जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ, पेड़ की तरफ जाता है। स्टार्टलमेंट, चौंक कर, फुल ऑफ वंडर, यहां मीनिंग लिखा है स्टार्टलमेंट, फुल ऑफ वंडर। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और तब बहुत ही स्मूद, लिजार्ड के जैसी, एज अ लिजार्ड, लिजार्ड के जैसी, पतली, चिकनी। एंड अलर्ट, अलर्ट मीन्स कॉन्शियस, केयरफुल। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट मीन्स जो कभी इधर कभी उधर उड़कर बैठ रही है। She enters the thickness, वह घने पेड़ में आती है। Thickness का मीनिंग है घना, और जहां पर घने पत्ते हैं वहां पर वह चिड़िया एंटर करती है। And a machine starts up, और एक मशीन जैसे स्टार्ट होती है तो उस चिड़िया का भी ऑफ चैटरिंग्स, चहचहाने वाली मशीन स्टार्ट हो जाती है। वह लगातार मशीन की तरह चैटरिंग करे जा रही है, चिटरिंग्स, चहचहाना, तो चहचहाती हुई वो मशीन शुरू हो जाती है। एंड अ ट्रिमोर ऑफ विंग्स, और वह अपने पंखों को, ट्रिमोर, शेक कर रही है, हिला रही है, क्योंकि बार बार चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाकर कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर इधर उधर आ जा रही है, पंखों को शेक कर रही है, ट्रिमोर। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का भी यही मीनिंग है कि उस चिड़िया को पंखों को हिला डुलाकर कभी इधर उधर बैठना बहुत बेचैन है, वो शांति से नहीं बैठी है, हिल डुल रही है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, चिड़िया की इन एक्टिविटीज से वो होल ट्री, संपूर्ण पेड़, पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है, हिलने लगता है। एंड थ्रिल्स, और जब पेड़ कांपने लगता है तो ऐसा लगता है कि अभी जो ये पेड़ बिल्कुल शांत था अब ये थ्रिल से, एडवेंचर से भर गया है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो बर्ड है यहां पर, ये इट
कहा गया है बर्ड के लिए। तो बर्ड जो है वो अपनी फैमिली का इंजन है, परिवार को वो चिड़िया चलाती है, जैसे एक ट्रेन को इंजन आगे ले जाता है। तो ये बर्ड गोल्ड फिंच बर्ड का जो फैमिली है वो वहीं पर नेस्ट बना के उस पेड़ में रहता है। तो ये चिड़िया ही अपने परिवार की इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, और वह इस चीज को फुल पूरी आवाज में बताती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड, फ्लर्ट्स आउट का मीनिंग है इधर उधर टहनियों पर बार बार आना जाना। तो वह अपने परिवार के पास आती है और घोषणा करती है, बताती है अपने पूरी आवाज में कि मैं यहाँ आ गई हूँ। देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड, और फिर उड़कर टहनियों के एंड में पहुंच जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वहाँ पर वो अपना चेहरा दिखाती है, और उसका आइडेंटिटी मास्क, ये जो चेहरा है वो कैसा है, बार्ड धारीदार है, उसके चेहरे पर धारियाँ बनी हुई हैं, यही उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। तो टहनियों के एंड में वो ये शो करती है कि आइडेंटिटी मास्क उसका चेहरा धारीदार है। देन विद इरी, तब फिर एक अलग प्रकार से एक स्पेशल डेलिकेट सॉफ्ट विसिल, सीटी जैसी चिरप चहचहाने की आवाज, विस्परिंग धीरे धीरे आवाज, क्योंकि चिड़िया जब बोलती है तो कभी बहुत सॉफ्ट वॉइस होती है, कभी तीखी सीटी जैसी आवाज होती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की चहचहाहट के साथ शी लॉन्चेज अवे, वह उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत आकाश की ओर, इन्फिनिट का मतलब है अनंत, जिसकी कोई लिमिट ना हो, और वो है स्काई, हमारा आकाश। तो वह टुवर्ड्स द इन्फिनिट, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, आकाश की ओर वह उड़ जाती है। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लबर्नम का जो पेड़ है सबसाइड्स, वापस से सेटल हो जाता है एम्प्टी, खाली। जिस तरह से स्टार्टिंग में, पोयम के स्टार्टिंग में हमने बताया था वह शांत है, स्टिल है, उसी तरीके से चिड़िया के जाने के बाद वो फिर से शांत, स्टिल, खाली हो जाता है, पहले जैसी सिचुएशन में लौट आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये पोयम हिंदी मीनिंग के साथ हमने पढ़ी। आई होप आपको हिंदी मीनिंग के साथ ये पोयम समझ में आई होगी। ये पोयम अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हमें लाइक से ये पता चलता है कि ये हमारी कोशिश कितनी सफल रही। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस चैनल के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।